डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पेपर है हमारे पास मैथमेटिक्स का, बीएससी थर्ड ईयर का बैक पेपर है ये 2023 का, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इसका पेपर का नाम है हमारा। स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे सेम रहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो हमारा चेंज होता रहता है। और अगर इस पेपर को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको भेज दूंगी। इस क्वेश्चन पेपर में हमारे पास तीन पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और सेकंड पार्ट में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। और थर्ड पार्ट जो सी सेक्शन है उसमें हमें 5 क्वेश्चन करने हैं, वो लॉन्ग आंसर्स होते हैं हमारे पास। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी है, ए टू बी एफ जेड डी जेड, इसका मान बताना है हमें। सेकंड क्वेश्चन में हमें अंडर रूट -1 द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर रूट -1 जो कि हमारा आई के बराबर होता है वो बताना है। और थर्ड जैसे क्वेश्चन है इसका इफ़ एफ जेड इज़ एनालिटिक ऑन ए सिंपल क्लोज कंटूर देन, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है इस इंटीग्रेशन की। इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ है, सिक्स्थ क्वेश्चन जो है हमारा द कन्वर्स ऑफ कॉशी इंटीग्रल थ्योरम इज़ ये बताना है हमें, इसका मतलब कन्वर्स बताना है। इसी तरह से सेवन्थ क्वेश्चन है, एट्थ है हमारे पास द फंक्शन ऑफ एफ जेड है इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर हैज़ उसके वन सिंगुलर पॉइंट, और इस तरह से क्वेश्चन है, छोटा सा ही क्वेश्चन है। टेंथ क्वेश्चन में हमें गिवन एफ जेड इक्वल टू लॉग जेड है, तब हमें बताना है कि एफ किस टाइप का फंक्शन है हमारा। इसी तरह से इलेवेंथ क्वेश्चन है एंड ट्वेल्थ क्वेश्चन देखिए ये है हमारे पास, इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस इन ए डोमेन डी एंड इफ इस इंटीग्रेशन एफ डी जेड जो है हमारा दे रखा है थीटा सॉरी जीरो फॉर एवरी सिंपल क्लोज्ड पॉजिटिवली ओरिएंटेड कंटूर सी इन डी देन हमें एफ बताना है किस टाइप का फंक्शन हमारा है। 13 है, 14, 15 ये सेक्शन बी है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इसमें हमारे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हार्मोनिक वाले चैप्टर से है, हार्मोनिक कंजुगेट इसमें फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करानी है। एंड थर्ड क्वेश्चन है शो दैट एन एनालिटिक फंक्शन विद कॉन्स्टेंट मॉडुलस इज कॉन्स्टेंट शो करना है। फोर्थ क्वेश्चन में फिक्स्ड पॉइंट फाइंड फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ ये दो फंक्शन है हमारे पास ये और भी दो पार्ट में दे रखा है। इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर है और सिक्स्थ है सेवन्थ है सिंगुलर पॉइंट्स पर। टेलर सीरीज़ वाले चैप्टर से एट्थ क्वेश्चन है, फिर नाइन्थ क्वेश्चन है इसमें लोकेट दी जीरोज एंड पोल्स इस फंक्शन के निकालने टेन जेड ओवर जेड, और टेंथ है फिर सेक्शन सी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें है हमारे। जैसे फर्स्ट इसका क्वेश्चन है डिफाइन एनालिटिक फंक्शंस डेराइव पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉशी रेमन इक्वेशन। सेकेंड में स्टेट एंड प्रूव मोरिस थ्योरम। थर्ड है हमारा फाइंड दी कॉन्स्टेंट्स ए भी फाइंड करने है, कंडीशन दे रखी है हमें। फोर्थ क्वेश्चन लॉरेंट सीरीज पर से है ऐसी। फिफ्थ है सिक्स्थ में इंटीग्रेशन हमें ने जो कंटूर्स हैं उनमें फाइंड करना है इस की वैल्यू। सेवन्थ क्वेश्चन है और एट्थ क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है एनालिटिक एफ जेड एनालिटिक है विद इन सर्किल और गिवन हमें दे रखा है ये, इससे हमें ये कंडीशन प्रूफ करनी है। इसी तरह से ये सारा आपका कोर्स जो भी आपके कोर्स से कवर करते हैं क्वेश्चन वो आप इसमें से सॉल्व कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे लिख सकते हैं। आई एम डॉक्टर शशि त्यागी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।